नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। यह दोस्तों पोस्टर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखा ही रहेगा कि 2 अगस्त को हम बहुत कुछ बड़ा एक ब्रह्मास्त्र आपके हाथ में देने जा रहे हैं। पोस्टर में आपने देखा भी रहेगा, फोटोग्राफ भी देखा रहेगा। तो आज हम बहुत ही लकी है कि बड़े समय के बाद उन्होंने बड़े समय में से थोड़ा समय निकाल के आज हमें दिया है। यहाँ दोस्तों पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूं कि आज जो हमें सारी कुछ जानकारी मिलने वाली है, हमें जो ब्रह्मास्त्र आज हमारे हाथ में मिलने वाला है और वो सारे जो डिटेल्स हमारे पास आने वाले हैं, जो हमें उनकी सफलता का सारा कुछ राज बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, LUCD है वेस्टिज में। अगर मैं शॉर्ट में उनका इंट्रोडक्शन दे दूं तो वेस्टिज में, हालांकि उनको परिचय की कोई जरूरत नहीं, अनुप गुप्ता सर को सभी लोग पहचानते हैं, बट ये लोग अभी भी नए हैं, जो नए जुड़े उनके लिए बता दूं कि अनुप गुप्ता सर वेस्टिज में LUCD है। साइमल्टेनियसली वेलनेस कोच है, हेल्थ कोच है और बिजनेस कोच है। दोस्तों उनके बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं जिनको फॉलो करके हमने बहुत सारे आगे कदम बढ़ाए हैं और हमारे टीम ने भी काफी ग्रोथ किया है। और लेवल तो जैसे मैंने उनका आपको बताया कि LUCD उनका लेवल है। अगर इनकम की बात करें दोस्तों तो तकरीबन 18 से 19 लाख रुपए की इनकम तक उन्होंने अचीव की हुए है। वेस्टिज में जितने फंड है सारे कुछ वो अचीव कर रहे हैं। तो आज बड़ी काफी रिक्वेस्ट की थी हमने, और देखो वो भी बड़े दिल वाले हैं, उन्होंने एक या दो टाइम में हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया। और मेन बात देखिए दोस्तों, जो उनका ग्रोथ हुआ है, जहां 18-19 लाख जो मैंने आपको उनकी इनकम बताई, तो सारा कुछ वो सारे रहस्य तो वो आज अपने सामने ओपन करने वाले। हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे, जितना ज्यादा उनके पास से हम ले सके आज लेने की कोशिश करेंगे, और उसी के साथ में एक टूल्स भी एक्सक्लूसिवली आज यहाँ पर लॉन्च होने वाला है। जैसे मैंने टेलीग्राम में आपको एडवांस में बता के रखा है कि 2 अगस्त को हम एक ब्रह्मास्त्र लॉन्च करने जा रहे हैं। तो हम देखिए आपका भी ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, सर के पास भी वक्त की कमी है, तो आप सभी की जोरदार तालियों के साथ प्लीज हेल्प मी वेलकम अनूप सर ऑन द स्क्रीन। सर प्लीज। नमस्कार नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो सर मिताली जोशी YouTube चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत है सर, और बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि आज आपने काफी अपना बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए भी थोड़ा वक्त निकाला, उसके लिए फिर से एक बार धन्यवाद। सर अगर आज के सेशन की बात करें तो एक्सक्लूसिवली रखा ही है, वैसे मैंने पोस्टर भी टेलीग्राम पे डाला था कि 2 अगस्त को हम ये कुछ एक्सक्लूसिव करने वाले हैं। तो जैसे आप सर, आपको मालूम है सर, मिताली जोशी नाम की हमारी यूट्यूब चैनल तो चल ही रही है और रेगुलरली वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। तो सर मैक्सिमम जो कमेंट आती है हमें, तो उसका कुछ निचोड़ में आज लेके आया हूँ। कुछ 4-5 प्रश्न ऐसे होते हैं सर के जो बार बार पूछे जाते हैं, तो कुछ प्रश्न मैंने हालांकि लिख के रखे सर, मैं आपसे थोड़ा शेयर करूंगा वो प्रश्न, और उम्मीद है कि उसके अलावा भी आप अपना ज्ञान का पिटारा खोलोगे आज हमारे सामने। ये क्वेश्चन के आंसर तो चाहिए ही चाहिए हमें। सर अगर बात करें ना, तो देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों का सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब भी कोई नया डाउनलाइन हमारे नेटवर्क में हम नीचे डाउनलाइन को ओपन करते, तो बट नेचुरली वो कुछ दिनों तक तो हमारे अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट ही लेती है, राइट? तो डाउनलाइन को सही तरीके से डिपेंडेंट से हम इंडिपेंडेंट कैसे जल्द से जल्द बना सके, एक तो वो क्वेश्चन है हमारा। दूसरा ये होता है कि प्लान बताने का सही तरीका क्या होता है सर? करेक्ट। ऐसा कोई नायाब तरीका है कि कोई यूनिफॉर्म वे में सारी टीम एक सरी का ही प्लान बता सके? और एक क्वेश्चन था सभी का जो बार बार आता है कि ज्यादा वॉल्यूम देखिए सर हेल्थ कैटेगरी से आता है, राइट? तो एग्जैक्टली हेल्थ प्लान हम कैसे कर सकते हैं, हम आइडेंटिफाई कैसे करें किसको किस तरीके से हेल्थ के बारे में अवेयर कराए ताकि हमारा वॉल्यूम ज्यादा जनरेट हो सके, और कम समय में ज्यादा आउटपुट कैसा हम निकाल सकते हैं, एक तो वो था। और हाँ देखिए, एक तो क्वेश्चन एकदम बढ़िया एक आया था कि एफर्ट्स कम लगाना है बट आउटपुट ज्यादा निकालना है, तो कम एफर्ट्स में ज्यादा से ज्यादा कैसे आउटपुट निकाला जाए, तो ऐसा कौन सा कोई तरीका है सर? तो प्लीज मैं स्क्रीन आपके हवाले करता हूँ सर, ये कुछ क्वेश्चन है उसका तो प्लीज आंसर, और जो आपके तरफ से और ऐड कर सकते तो काफी कृतज्ञ रहेंगे आपके। थैंक यू निमेश जी, और मैं बहुत दिनों से आपके चैनल को फॉलो कर रहा हूँ मिताली जी और आप दोनों मिलके, आप कैलकुलेशन में मास्टर हैं और मिताली जी प्रोडक्ट के बारे में, हेल्थ के बारे में बहुत ही अच्छी वीडियोस डाल रहे हैं, और वेस्टीज में बहुत लोगों को मदद मिलती है,
उनके वीडियो से, उनके ट्रेनिंग से, राइट। सो सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं कि आपने एक इनिशिएटिव लिया, आप दोनों ने मिलकर इतना बढ़िया लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल जवाब होते, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो अपलाइन पे नहीं जा पाते, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से, आपके माध्यम से उनको जानकारी मिल जाती है। अब रही बात आपके, यस मिताली जी भी आ चुकी हैं, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं इतने बढ़िया यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के लिए। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आज मैं आपके इस यूट्यूब चैनल का हिस्सा बना, और आपके इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं। एक ही उद्देश्य है कि आपका भी एक उद्देश्य है कि आप उनकी मदद करना चाहते हैं, और वही उद्देश्य उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज की हमारी ये टॉक है। तो जैसा सवाल किया निमेश जी आपने कि लोगों के कमेंट ऐसे रहते हैं, मुझे लगभग 12 साल हो रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप किसी के पास जाते हैं, आधार कार्ड मिल जाता है, आप आईडी लगा लेते हैं, लेकिन सबसे मेन काम शुरू होता है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग खुद से प्लान दिखाएं। क्योंकि सबसे बड़ी जो डिपेंडेंसी होती है, सबसे बड़ी समस्या है कि जैसे आप किसी को साइन अप कराते हैं, वो हमेशा अपलाइन की ताक में बैठा रहता है कि अपलाइन आएगा तब वो प्लान दिखाएगा, और अपलाइन के कोई 10 हाथ नहीं है, 10 सिर नहीं है, अपलाइन एक ही बेचारा पार्ट टाइम में काम कर रहा है, तो कैसे करें। तो ये बहुत मेरे दिमाग में चलता था कि क्या किया जाए क्या किया जाए, और हर कोई व्यक्ति अपने तरीके से प्लान दिखा रहा है, कोई 9643 दिखा रहा है, कोई 10x10 दिखा रहा है, कोई 1000 का प्लान दिखा रहा है, कोई 1500 का, तो मतलब कोई सिमिलरिटी नहीं चल रही। मतलब मैंने एक बहुत अच्छी चीज सीखी कि जैसे आपने कभी मैकडोनल्ड का अगर बर्गर खाया हो, अगर आप बंबई में बर्गर खाएंगे या अहमदाबाद में खाएंगे या जबलपुर भोपाल कहीं पे भी खाएंगे, आपको सेम टेस्ट मिलेगा, यस और नो? यस सर। तो वहां से एक चीज सीखने को मिलती है कि अगर हम किसी काम को करने का एक सिस्टम बना लें तो उसमें यूनिफॉर्मिटी आ सकती है, राइट। तो सभी लोग एक तरीके से प्लान दिखाएं, सभी लोग एक जैसा एग्जांपल दें, तो उससे डुप्लीकेशन फास्ट हो जाएगा और लोगों को समझना और समझाना आसान हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने एक टूल तैयार किया, राइट। और मैं सच बता रहा हूँ, मेरी ग्रोथ में मैंने 3 साल के अंदर DUCD किया, 18 से 20 लाख रुपए की जो इनकम पे पहुंचा उसमें बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि मैं समझ पाया कि मैं हर जगह नहीं जा सकता हूँ, ना ही कोई लीडर हर जगह जा सकता है, लेकिन अगर लोगों के हाथ में वो टूल मिल जाए तो बिजनेस प्लान, हेल्थ प्लान, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सारा कुछ आपको एक जगह मिल सकता है। तो आप सभी की जो एक चैलेंजेस आप फेस कर रहे होते हैं उनको सबका समाधान निकालने के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल मैंने डिजाइन किया, जिसका जो इस तरह से कुछ दिखाई देता है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड है, एक अनोखा बिजनेस प्लान बुक है, राइट। और वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक्सक्लूसिवली ये प्लान बुक है। अब ये प्लान बुक में प्लान कैसे है और आपको कैसे दिखाना है, मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट करता हूँ। देखिए दोस्तों, आप कभी भी किसी भी इंसान से मिलते हैं, सामने वाले को फर्क नहीं पड़ता आपके पास कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, सबसे पहले हमेशा सामने वाले के यहाँ दिमाग में लिखा रहता है, What isn't it for me? WIIFM, मेरे लिए क्या है। हर कोई व्यक्ति अपने मतलब की बात सुनना चाहता है, समझना चाहता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम लोगों से मिलते हैं, हम सीधा प्रोफाइल, कंपनी, प्रोडक्ट और पता नहीं ये अच्छा हो जाएगा, इसमें ये इनकम आ जाएगी, सामने वाले कोई समझ में नहीं आता। तो चाहे वो बिजनेस प्लान हो, चाहे वो एग्री का प्लान हो, चाहे वो हेल्थ प्लान का हो, सबसे पहली एक चीज दिमाग में याद रखनी है, हमें सामने वाले का वाई क्लियर करना बहुत जरूरी है कि उसको एक्स्ट्रा इनकम की क्यों जरूरत है, उसको हेल्थ सप्लीमेंट की क्यों जरूरत है, उसको हमारे एग्रीकल्चर, कोई भी चीज हो दुनिया में, अगर आप सेल्स में हैं तो सबसे पहले आपके कस्टमर की नीड को समझना और उसके वाई को क्लियर करना बहुत जरूरी है। एक बार अगर आपने उसका वाई क्लियर कर लिया, उसके बाद जो भी आपका सोल्यूशन है, चांसेस है कि वो आपके सोल्यूशन को सेटिस्फाइड हो जाएगा, सोल्यूशन से एग्री हो जाएगा। प्रॉब्लम ये होती है कि हम सामने वाले कस्टमर को समझते नहीं है और सीधा सीधा हम सोल्यूशन बताने लगते हैं, इसीलिए ज्यादातर लोगों को क्लोजिंग में दिक्कत आती है, राइट। कि हमने प्लान तो दिखा दिया, और प्लान भी कैसे दिखाते हैं, आधा अधूरा दिखाते हैं, कभी प्रोडक्ट बता दिया, कभी कंपनी बता दी, मतलब सिस्टमेटिक नहीं होता। तो अच्छा, तो डॉक्टर बन जाते हैं सर। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर बन जाते हैं, वैद्य बन जाते हैं, नहीं तो थर्मोकोल निकाल के सीधा डेमो कर देते हैं बिना उसका बैकग्राउंड बताए कि भाई आपको ओमेगा 3 की जरूरत क्यों है, क्यों लेना चाहिए। इसीलिए लोग सवाल जवाब भी जाना करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में डाउट होते हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत जबरदस्त चीज बता रहा हूँ, बहुत ही पावरफुल चीज, बहुत ही जबरदस्त टूल है। अगर आप इस प्लान बुक को उपयोग करेंगे, चाहे वो बिजनेस प्लान दिखाना है, हेल्थ प्लान दिखाना है, तो आपके 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही सिस्टमेटिक है, साइंटिफिक है और लॉजिकल है, मेरे 12 साल के तजुर्बे के आधार पर मैं बता रहा हूँ। तो मैं बताता हूँ थोड़ा सा ब्रीफ में आपको कि ये प्लान बुक में 3 पार्ट होंगे, राइट। पहला पार्ट होगा इसमें बिजनेस प्लान, दूसरा होगा कंपनी के प्रोफाइल और प्रोडक्ट, और तीसरा पार्ट होगा हेल्थ प्लान, और चौथा होगा
ऑब्जेक्शन हैंडलिंग राइट, तो कंप्लीट है। तो बिजनेस प्लान की जब शुरुआत करते तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ लोगों के ड्रीम की, कि आपको बिजनेस की क्यों जरूरत है राइट। तो ऐसे जब आप लोगों के ड्रीम पे बात करते हैं, ड्रीम एक्सरसाइज करते हैं, तो सामने वाले को समझ में आता है, आप रिलेट कर पाते हैं कि सामने हो सकता है कि आपने बिजनेस ज्वाइन किया हो एक्स्ट्रा इनकम के लिए, पर जरूरी नहीं है सामने वाले को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए हो, हो सकता है उसको फॉरेन टूर करना हो सकता है आपने बिजनेस ज्वाइन किया एक्स्ट्रा इनकम के लिए, लेकिन हो सकता है सामने वाला अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन देना चाहता हो। तो सबसे पहले आपको सामने वाले का एक जो होता है ना प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, ये निकालना बहुत जरूरी है, उसके बाद आगे कहानी बढ़ती है। ये सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज है। पहले ये जाने तो सही कि सामने वाले को भूख लगी है नहीं, वो क्या खाना पसंद करता है। आपको जलेबी पसंद है पर सामने वाले को रसगुल्ले पसंद है, लेकिन आप बोल रहे हो नहीं मेरी जलेबी बहुत अच्छी है, सामने वाला रिलेट ही नहीं करेगा आपसे। तो ये चीज बहुत समझना जरूरी है। तो ये जब आप इस तरह से दिखाएंगे, अच्छा एक चीज याद रखिएगा हमेशा, बचपन से आपने देखा होगा जब बचपन में हम जब किताबें लेके आते थे तो हमारी किताब आती होगी, जब क्लास फर्स्ट में आते हैं क्लास सेकंड में आते हैं तो ए फॉर एप्पल लिखा रहता है और एप्पल इतना बड़ा दिखता है वहां पर, और ए डबल पी एल ई बहुत छोटा दिखता है। इसका मतलब पता क्या है, हमारा जो दिमाग है ना ये पिक्चर्स की भाषा जल्दी समझता है। अभी भी अगर मैं आपको एप्पल बोलूंगा तो आपको रेड कलर का एप्पल दिखाएगा, आपके दिमाग में स्पेलिंग नहीं आएगी भाई। अगर आपको अपनी प्रेजेंटेशन पावरफुल बनानी है, जबरदस्त बनानी है और इम्पैक्टफुल बनानी है, तो हमेशा आपकी प्रेजेंटेशन में ऑडियो होना चाहिए और पिक्चर्स का समावेश होना चाहिए और आपका एक्साइटमेंट होना चाहिए। जब आपका ऑडियो विजुअल्स और आपका एक्साइटमेंट कंबाइन हो जाएगा तो यकीन मानिए आपके कन्वर्जेंस बहुत अच्छे होंगे और लोग आपकी बात को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर काम कितना आसान हो जाएगा, आप डजंट मैटर आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप हाईली क्वालिफाइड नहीं आते, आपको सिर्फ पन्ना पलटते जाना है और इस पर जो लिखा हुआ है बस आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाइए, सामने वाला समझता जाएगा। हो सकता है आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कंप्लीट प्लान बुक है, लेटेस्ट अपडेटेड प्लान बुक है। तो यहाँ पर पूरा प्लान बताया राइट, पहले नीड क्रिएट करी कि आपको बिजनेस की क्यों जरूरत है, फिर हमने उसको कंज्यूमर प्लान और फ्रेंचाइजी प्लान बताया जाता है इस तरह से। प्लान हमारा ये, सॉरी टू डिस्टर्ब, ये प्लान हमारा जो अभी जो जून में चेंज हुआ वो वाला प्लान है सर इसमें? देखिए वो तो मार्केटिंग प्लान है, कंपनी सॉफ्टवेयर पे करके देती है, लेकिन उस प्लान को बताने से पहले का जो पार्ट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो अभी प्लान बुक में जो कंपनी का अपडेटेड प्लान है वो सारा कुछ उसमें अपडेट हो गया राइट। तो इस तरह से आप प्लान बता सकते हैं। लोग क्वेश्चन करते हैं मैं अपना ब्रांड क्यों चेंज करूं, मैं लोगों को बता नहीं सकता हूं, तो तमाम तरह के सवाल जवाब ऑटोमेटिक जब आप प्लान दिखाएंगे तो खत्म हो जाएंगे। इस तरह से बिजनेस प्लान हो गया। फिर आता है इसमें आपका 9 type of income जो नया लेटेस्ट प्लान है, ये पूरा सारा कुछ दिया हुआ है इसमें, सारा कुछ अपडेटेड जो कंपनी का जो अपडेटेड प्लान दी है वो है। फिर प्रोडक्ट्स के बारे में बताया हुआ है, सारे प्रोडक्ट्स कंपनी की फैक्ट्री सर्टिफिकेट सब कुछ इसमें बताया हुआ है। नाउ इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जो सबसे हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट है जैसे नैनो एनर्जाइजर, आपको अलग से ब्रोशर लेके जाना पड़ता था, तो अब जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चर का ब्रोशर आपको लेने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग कंप्लीट है इसके अंदर राइट। और सबसे बढ़िया लास्ट पेज है इसमें, आप देखेंगे आपको कौन सा प्रोडक्ट किस समय किस खेती पे कब यूज करना है, पूरा डिटेल चार्ट में दिया हुआ है। तो अगर आप एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं तो पूरे एग्रीकल्चर की डिटेल मिल जाएगी। फिर सार्प का वाटर प्यूरिफायर एयर प्यूरिफायर है, पूरी जानकारी इसके अंदर है राइट। फिर डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग, भाई 4 basic कैसे करना है, लिस्ट बिल्डिंग कैसे करना है, 10 steps कैसे करना है, फ्रेंड्स फॉर्मूला, सारी जो बेसिक ज्वाइन करने के बाद आपको फील्ड में काम कैसे करना है उसकी भी ट्रेनिंग इसमें दी गई है। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई चीज ऐसी छूट गई है जो एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को आवश्यकता नहीं है राइट। सारी चीजें हैं। फिर कंपनी की प्रोफाइल सेल्फ टॉक तक दी हुई है। और इसके बाद आता है मेरा हेल्थ प्लान। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा मेरी सक्सेस का जो सबसे बड़ा सीक्रेट है वो है मेरा हेल्थ प्लान। अभी तक आप जो प्लान दिखाते हैं उसमें कई बार आप डायरेक्ट प्रोडक्ट पे बात कर लेते हैं, आपको पहले प्रोडक्ट की बात नहीं करनी, पहले उसके दिमाग में सप्लीमेंट के प्रति अवेयरनेस पैदा करनी कि उसको सप्लीमेंट की जरूरत क्यों है। तो जब आप इस तरह से हेल्थ प्लान दिखाएंगे, इसमें एक्सरसाइज एटीट्यूड न्यूट्रिशन CNT करेंगे तो सामने वाले को समझ में आएगा। इसमें साइंटिफिक डेटा है, कंपेरिजन है और लॉजिकल्स है, क्योंकि आप हर तरह के लोगों से मिल रहे होंगे। नए प्रोडक्ट्स आ गए इसमें, एब्जॉर्बेट आ गया है, CMD का स्प्रे आ गया है, आप CMD का पूरा चार्ट स्केल वगैरह सब कुछ इसमें दिया हुआ है। मतलब आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन है, एक किताब के अंदर पूरा डिटेल पूरा निचोड़ आपको मिल जाएगा। और अच्छी बात तो पता क्या है, ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये प्रॉब्लम रहती है, सर हम तो नए हैं हमें पता नहीं क्या करना है। तो आप देखिए कार्डियो केयर, अगर किसी को BP की प्रॉब्लम है तो क्या सप्लीमेंट देना है, सप्लीमेंट का पूरा कॉम्बिनेशन। बीमारियों को मैंने स्पेशलाइज किया हुआ है क्योंकि मेरा खुद का न्यूट्रिशन का फील्ड है, कोई भी बीमारी क्यों होती है, उसके लक्षण क्या है और सप्लीमेंट क्या है, इस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से दिया हुआ है। और इसमें आपको एक्सक्लूसिव वुमेन हेल्थ रेंज मिलेगी,
वुमेन हेल्थ में क्या क्या कॉम्बिनेशन, वुमेन्स में क्या क्या समस्याएं रहती हैं, बच्चों के लिए क्या सप्लीमेंट देना चाहिए, माय गॉड क्या क्या नहीं है, सारी हेल्थ सप्लीमेंट की रेंज है, डिटॉक्स है, डिटॉक्स है, कंप्लीट है। और सबसे बेहतरीन चीज तो पता क्या है, ये है लास्ट में एक चार्ट, पूरा कंप्लीट चार्ट है किस बीमारी में क्या सप्लीमेंट का कॉम्बिनेशन देना है। मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा दोस्तों, ये एक जनरल गाइडलाइन है, कभी भी कोई सप्लीमेंट यूज करने से पहले एक बार अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे रेफर कर सकते हैं, अपने अपलाइन से कंसल्ट कर सकते हैं, ये जनरल गाइडलाइन है राइट। और इसमें डूज एंड डोंट्स है, क्या सप्लीमेंट लेना है, कब नहीं लेना है, क्या तौर तरीके, क्या मिस्टेक्स करते हैं, वो सब कुछ दिया हुआ है। फूड सप्लीमेंट बताते समय लोग तमाम तरह के सवाल जवाब करते हैं, सारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग दिया हुआ है। बिजनेस को लेके लोग सवाल जवाब करते हैं, सारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। मतलब इस तरह से कंप्लीट प्लान बुक आपके लिए रेडी है, और ये प्लान बुक की एक्चुअल कॉस्ट 400 रुपए है राइट। और सिर्फ सिर्फ इस चैनल के लिए, मिताली जोशी सब्सक्राइबर के लिए इसकी प्राइस निमिष जी डिस्क्लोज करेंगे आपके साथ में, और ये किताब आपको कैसे मिलेगी, इसका कैसे बेनिफिट आपको मिलने वाला है, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। कुल मिला के मैं आपको बताऊं, आप दिल्ली में रहते हैं और आपकी डाउनलाइन कोलकाता में रहती है, जम्मू में रहती है, किधर भी रहती है, अगर उसके हाथ में ये टूल बुक है तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि जिस तरीके से आप प्लान दिखा रहे हैं वही तरीके से वो प्लान दिखा रहा होगा, सिस्टमेटिक तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से, इफेक्टिव तरीके से राइट। सो एक बहुत ही पावरफुल टूल है, इसकी इसको सही तरीके से यूज करके आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, आपकी टीम में प्रॉपर डुप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, अपनी टीम में इंडिपेंडेंट प्लान शोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, और नए लोगों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, इंडिपेंडेंट लीडरशिप क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टूल। और कंपनी की जो ट्रेनिंग्स हैं उनका तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, वो ट्रेनिंग प्लस फील्ड में जाने के लिए एक महत्वपूर्ण टूल आपके पास रहेगा जो आपको मदद करेगा आपको वर्किंग करने के लिए राइट। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड निमेश जी। सर वैसे तो मैंने पोस्टर में पहले ही लिख दिया था ब्रह्मास्त्र हाथ में आने वाला है, शायद इसको नाम दूं तो ब्रह्मास्त्र से भी आगे हो जाएगा। लेकिन सर और एक रिक्वेस्ट है आपसे, और ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ 1-5 मिनट लूंगा और मैं आपकी सर थोड़ा बहुत हेल्थ के ऊपर थोड़ा, अगर आप थोड़ा बहुत कि जब इनिशियल स्टेज में जब हेल्थ प्लान कैसे स्टार्ट कर सकते हैं हम किसी प्रोस्पेक्ट के उधर, थोड़ा हेल्थ के बारे में अगर 5 मिनट थोड़ा सा इनिशियल नॉलेज दे दे के किस हिसाब में करना चाहिए। राइट, देखिए जब भी आप किसी भी नए व्यक्ति से मिलते हैं और अगर आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रहे हैं तो मैं जैसे करता हूं, मैं अपना अनुभव बताऊंगा, सबसे पहले तो उनकी कंडीशन समझता हूं कि उनको अभी क्या समस्या है। दो तरह के लोग मिलेंगे, एक तो ऐसे लोग मिलेंगे जिनको ऑलरेडी बीमारी है, गोलियां दवाइयां चल रही हैं, और कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, मैक्सिमम लोग ऐसे मिलेंगे जिनको बीमारी नहीं है, जो लोग हेल्दी हैं लेकिन अपने आप को स्वस्थ और फिट रहना चाहते हैं। तो ज्यादातर लोग कई बार गलती ये करते हैं हेल्थ प्लान के समय, वो सीधा बीमारी पूछते हैं, अच्छा आपको बीपी शुगर क्या है, तो तुरंत फ्लेक्सवेल की डब्बी निकाल के दे देते हैं, मतलब डॉक्टर बनने का प्रयास करते हैं बिना जाने समझे। तो सामने वाले को ये लगता है कि आप कोई कंपनी के सेल्समैन हैं और उनको जबरदस्ती कोई प्रोडक्ट चिपकाने के लिए आए हैं, वहां पर आपकी एक नेगेटिव इमेज बनती है। आपको एक कंसल्टेंट की तरह काम करना है, तो जब भी आप लोगों से मिलें सबसे पहले उनके हालचाल जानें, उनसे जानें उनके स्वास्थ्य की कंडीशन कैसी है, उनके फैमिली में क्या क्या मेंबर्स हैं, ये जानने के बाद उनसे बोलें कि आप उनको एक 20 से 30 मिनट की प्रेजेंटेशन करेंगे और उसमें बताएंगे कि बीमारियों का कारण क्या है। सबसे पहले लोगों को ये जागरूक करना जरूरी है कि बीपी शुगर या डायबिटीज होती क्यों है। एक बार जब उनको एक कारण समझ में आ जाएगा तो फिर आप उनको बता सकते हैं, सॉल्यूशन भी आपके हाथ में, अपने खान पान रहन सहन में बदलाव करना है, थोड़े से डाइट में चेंज करना है, और जो डाइट में आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है उसके लिए हमारी कंपनी के द्वारा वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के सप्लीमेंट्स हैं, उनको ऐड करके आप अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप उनको बताएंगे तो उनको समझ में आएगा कि नहीं ये सप्लीमेंट लेने की मुझे क्यों जरूरत है। नहीं तो ज्यादातर टाइम आप ये समझते होंगे, सुनते होंगे, नहीं मैं तो ठीक हूं, मुझे क्या जरूरत है सप्लीमेंट की, मुझे तो अभी कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैं गारंटी ले रहा हूं, जब आप इस प्लान से किताब दिखा इस बुक से प्लान बुक से दिखाएंगे 10 में से 8 लोग आपको सप्लीमेंट्स के ऑर्डर देंगे, क्योंकि आप साइंटिफिक तरीके से बता रहे हैं, लॉजिकल तरीके से बता रहे हैं, आप सेल्समैन की तरह काम नहीं कर रहे। सर ये जो आज ब्रह्मास्त्र आज लॉन्च हुआ है शायद मेरे ख्याल से उसके अंदर भी वो सारी डिटेल्स दी हुई है, हेल्थ डिटेल्स है। और अगर सीखना चाहें तो मेरा यूट्यूब पे इस हेल्थ प्लान का वीडियो भी पड़ा हुआ है, तो ये प्लान बुक भी हो जाएगी प्लस आपको वीडियो के माध्यम से एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरी ट्रेनिंग मिल जाएगी कि हेल्थ प्लान करना कैसे है। वो वीडियो की लिंक भी शायद मैं आइए वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में रख दूं आपके हेल्थ प्लान की जो है वो। यस यस। और एक आखिर सवाल सर, कि ये जो आपने बुक बता दी तो मेरे ख्याल से अब मेरे ख्याल से मेरे पूरे नेटवर्क में मतलब जो भी आदमी ये बुक परचेस करता है
उसके पूरे नेटवर्क में जिनके भी पास ये बुक होगी, मतलब एक यूनिफॉर्म वे में सभी का प्लान बताने का तरीका एक तरीका ही हो जाएगा। बिल्कुल। फिर भी अगर ये बुक, मतलब मुझे लगता है कि पांचवी पास भी आराम से अगर सामान्य हिंदी जानता है तो ये इसके माध्यम से बता, बट एक अप्लाइंग के जिम्मे जब हम ये डाउनलाइन को बुक पास ऑन कर देंगे तो अप्लाइंग की क्या ड्यूटी रहेगी, एटलीस्ट एक बार सही से उसको बता दे के किस तरीके से प्रेजेंट क्या करना होगा अप्लाइंग को ये बुक देने के बाद उसको, देखिए मतलब किस तरीके से समझाना है कि भाई जब आप आपके प्रोस्पेक्ट के पास जाओगे तो चल एक बार मैं प्लान बता देता हूँ। जनरली होता क्या, अप्लाइन हर बार डाउनलाइन के साथ जा जाकर प्लान बताता था, तो मुझे लगता है कि आप अगर ये बुक एक बार शांति से बैठ के उसको समझा दी तो मुझे नहीं लगता कि एटलीस्ट प्लान बताने के लिए उसके साथ जाने की जरूरत पड़ेगी सर। तो इसके लिए बहुत अच्छा तरीका जैसे आपने बताया कि मेरा बिजनेस प्लान जो है और हेल्थ प्लान की लिंक जो है आप अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए तो उनको आइडिया लग जाएगा, एक बार वो खुद देख लें कि मैंने जो बताया है, हो सकता है आपके उदाहरण एग्जाम्पल बदल सकते हैं, एज ए गाइडलाइन आप इसे यूज कर सकते हैं, राइट। और आपको उसको एज ए रेफरेंस लेके एक बार आप खुद देख लें और अपनी टीम में दिखा के, अगर आपको लगता है कि प्लान ठीक है, बताने का तरीका ठीक है, तो आप अपनी टीम में बहुत सारे लोगों को इस तरह से एजुकेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। तो दोस्तों आपके तरफ से भी मैं सभी को कहना चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करिए और बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने इतना वक्त दिया हमें। और जैसे सर ने बताया दोस्तों, मैं सर का टाइम काफी कीमती है तो ये सेशन अभी यहाँ एंड करेगा और सारी जो डिस्प्लेड डिटेल से ये बुक आपको किस तरीके से मिलेगी वो मैं आगे आपको बताता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच सर, विश यू वेल सर। तो दोस्तों जैसे कि सर ने बताया, सारे कुछ डिटेल्स मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो हम सच में बोलूंगा हम बहुत खुश नसीब है कि अनूप जी का टाइम आज हमें मिला। आपको और एक बात ऐड कर दूं उनके बारे में कि वेस्टिज में जो मिलियनर काउंसिल है सिर्फ उसमें 30 या 35-40 लोगों को इन्वॉल्व किया गया है, उनका रिकग्निशन किया गया है जिनकी इनकम मिलियन टच कर गई है और सराहना अगर बात करें तो करोड़ के ऊपर कर दी गई है। तो उन 40 मेंबरों में से एक अनूप गुप्ता सर भी है और उनके पास इतना बड़ा एक्सपीरियंस है कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि इतना सेशन उनके जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है वो भी बहुत सारे हमें यूजफुल होते हैं। तो हालांकि जैसे अभी फिलहाल ये वीडियो में जैसे उन्होंने बताया था कि उनका एक जो बिजनेस प्लान का जो वीडियो लिंक है वो तो मैं यहाँ पर रखूंगा डिस्क्रिप्शन में, और उनका जो हेल्थ प्लान बताने का जो तरीका है, हेल्थ प्लान के ऊपर जो पूरी डिटेल्स उन्होंने शेयर की है, वो दोनों वीडियो की लिंक मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप सभी से गुजारिश है कि वो दोनों वीडियो देख लीजिए और उनके वो जो YouTube चैनल है उसको भी सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देखो वो कीमती समय है उनके पास। वीडियो कभी कभी आते हैं उनके चैनल पे, लेकिन जब भी वो वीडियो आती है बहुत ही यूजफुल रहती है हम सभी के लिए। उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वो दो वीडियो चेक कर लीजिए। और बात रही आज के ये ब्रह्मास्त्र की, जो टूल्स आज हमने यहाँ पर लॉन्च किया है, देखो देखने में आपको ऐसा ही लगेगा कि दोस्तों ऐसी बुक तो पहले भी मिलती थी, तो इसमें और क्या नयापन होगा। लेकिन दोस्तों जिस दिन ये बुक अगर आपके हाथ में आएगी ना, तो आपको लगेगा कि ऐसी बुक, इतनी नायाब बुक आज तक किसी ने नहीं बनाई, ना ही शायद कोई बना पाएगा। उतनी डिटेल्ड जानकारी उसके अंदर मेंशन की गई है और ट्रिमेंडस नॉलेज है उसके अंदर। जैसे सर ने बताया, एक बार आपके टीम में वो ये टूल्स, मतलब कि ये बुक चली गई, तो आपकी पूरी डाउनलाइन चाहे वो नई है या पुरानी, एक यूनिफॉर्म वे में बिजनेस प्लान बताना सीख जाएगी और 5-10 बार 15-20 बार प्रैक्टिस करेगी तो अपने आप मूल जबानी भी हो जाएगा। और जैसे सर ने बताया कि पिक्चर काफी इंपैक्ट करता है, क्योंकि पिक्चर के सभी के पास लैपटॉप होना जरूरी नहीं है, बस ये बुक भी आपका लैपटॉप के जैसे ही काम करेगा। सर ने जैसे कॉस्ट बताई बुक की, देखो हालांकि ये फर्स्ट टाइम लॉन्च कर रहे यूट्यूब पे, मतलब कि हमारे ओपन फॉर ऑल की है, वैसे तो कॉस्ट उसकी 400 रुपीज है, बट एक्सक्लूसिवली मिताली जोशी चैनल पे फर्स्ट टाइम लॉन्च करने जा रही है बुक, तो इसकी कॉस्ट सर ने हमारे सब्सक्राइबर के लिए रखी है 350 रुपीज, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, नो शिपिंग चार्जेस। कंडीशन सिर्फ ये है कि मिनिमम 5 बुक आपको खरीदनी है, तो मतलब अगर 5 बुक का अगर आप सेट लेते हो तो पर बुक की कॉस्ट आपको 350 हो जाएगी, मतलब 1750 में आपको 5 बुक आपके घर पे एब्सोल्युटली फ्री डिलीवरी हो जाएगी। दूसरा, और भी हमने उनको रिक्वेस्ट की थी कि सर हमारी तो काफी बड़ी टीम होती है और किसी को और ज्यादा बुक चाहिए तो देखिए दोस्तों उसके लिए भी एक ऑफर रखी है, अगर आप 10 बुक एक साथ परचेस कर लेते हो तो शिपिंग कॉस्ट तो आपको लगेगी ही नहीं, बट एडिशनल एवरी 10 बुक्स के बंडल पे आपको एक बुक एडिशनल फ्री मिल जाए। मतलब अगर आप 10 बुक का ऑर्डर करते हो, मतलब 3500 का अगर आपका ऑर्डर होता है, तो आपका 10 के जगह पे 11 बुक आपके घर पे आ जाएगी, आपके शिपिंग एड्रेस पे आ जाएगी। अब ये ऑर्डर आप करोगे कैसे,
दोस्तों ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक गूगल फॉर्म की लिंक यहाँ पर रख रहा हूँ, आपको सिंपल वो गूगल फॉर्म के लिंक के ऊपर क्लिक करना है, अपनी पूरी डिटेल्स वहां पर फिलअप करनी है, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम, आपका एड्रेस, पूरा शिपिंग एड्रेस विथ लैंडमार्क एंड पिन कोड। लैंडमार्क और पिन कोड डालना बिल्कुल भी ना भूलेगा, ताकि आसानी से आपके घर पे वो बुक पहुंच जाए। और जैसे आप वो फिलअप करके नीचे आओगे तो गूगल फॉर्म में एक आपको पेमेंट का भी एक ऑप्शन दिखेगा, वहां पर फोन पे में आपके मोबाइल से आपको बार कोड जो भी है आप स्कैन करके आपको वो पेमेंट करना है, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी आपको यही गूगल फॉर्म में अटैच कर देना है। उतना डिटेल्स भर के पेमेंट का स्क्रीनशॉट फिलअप अपलोड करके आप वहां पर सबमिट कर दीजिए, आपका गूगल फॉर्म वहां पर पहुंच जाएगा, उनके पास पहुंच जाएगा। और वहां पर गूगल फॉर्म में मैंने एक कॉन्टेक्ट नंबर भी लिखा है आगे का ट्रैकिंग के लिए, कि आपका पार्सल कहाँ तक पहुंचा, कब तक आपको डिलीवरी होगा। हालांकि मैंने उनसे बात की थी कि आपका जब भी वो प्रोसेस खत्म हो जाएगा, आपका पेमेंट हो जाएगा, विद इन 7 वर्किंग डेज पार्सल आपके घर में पहुंच जाएगा, मतलब 7 वर्किंग डेज। सैटरडे संडे ऑलवेज हॉलीडे रहता है, काफी कुरियर कंपनियां बंद रहती है, तो 7 वर्किंग डेज में वो पार्सल आपके पास पहुंच जाएगा। इन बिटवीन भी अगर आपको आपके पार्सल का स्टेटस जानना है तो गूगल फॉर्म के ऊपर मैंने कॉन्टेक्ट पर्सन का नंबर लिखा हुआ है, तो आप वो गूगल वहां पर कॉन्टेक्ट करके भी आपका पार्सल का स्टेटस जान सकते हो। तो उम्मीद है ये ब्रह्मास्त्र का मैक्सिमम आप यूज करोगे, और सच बोल रहा हूँ ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ मिताली जोशी चैनल के लिए ही अवेलेबल है। आप अलग से उसको परचेस करना चाहोगे तो आई थिंक आपको कहीं पर भी ये बुक, एटलीस्ट ये वाली बुक आपको कहीं पर भी नहीं मिली। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑर्डर करिए, आने वाले समय में अपना और अपने टीम का अच्छे से ग्रोथ कर लो। तो मिलते कल और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।